अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। शहीदों के परिजनों का सम्मान संघ कवि सम्मेलन 22 मार्च को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा अक्षर अनुगमन संस्था के सहयोग से होगा आयोजित। किड्स गान स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर ने दी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी। मुख्य अतिथि होंगे अजय कुमार शर्मा कमांडेंट ऑफिसर व राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत गोस्वामी अनुराग भरेगवंशी, आईवी स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती नंदिनी यादव, संघ प्रोफेसर ए बी चैबे, सौरभ लहरी, कवि विष्णु उपाध्याय, नानू उपाध्याय आदि भी रहे वार्ता में मौजूद। फिरोजाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा अक्षर अनुगमन संस्था के सहयोग से विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीदों के परिजनों का सम्मान व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 22 मार्च को स्थानीय पालीवाल हॉल में दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। इस संबंध में किड्स गान स्कूल के प्रबंधक मयंक भटनागर ने स्कूल प्रांगण में वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वो स्वयं करेंगे। दीप प्रज्वलन डॉक्टर नंदिनी यादव करेंगी। मुख्य अतिथि अजय कुमार शर्मा कमांडेंट ऑफिसर व राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत गोस्वामी अनुराग भरेगवंशी होंगे। आईवी स्कूल प्रिंसिपल नंदिनी यादव ने बताया कि कार्यक्रम में शहीद शेखर मिश्रा, गिरीश चंद्र यादव, देवेश कुलश्रेष्ठ, बबलू सिंह, जीतराम गुर्जर के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर ए बी चौबे के मार्गदर्शन में कवि सम्मेलन में रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, गुरु सक्सेना, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, प्रशांत उपाध्याय, डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा, डॉक्टर सौरभ कांत मिश्रा, अभिषेक अमर, डॉक्टर अंजू शर्मा, योगिता चैहान आदि ख्यातिलब्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के संयोजक सौरभ लहरी व कवि सम्मेलन संयोजक कवि विष्णु उपाध्याय विशु हैं। व्यवस्था प्रमुख हेम कुमार कुलश्रेष्ठ व मयंक रावत, नानू उपाध्याय बनाए गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता को रखने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको बताना कि एक पुलवामा में जो 14 फरवरी को जो टेरर अटैक हुआ था, जिसको कुछ आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों के ऊपर एक नपुंसक हरकत करी थी, जिसमें हमारे कई वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के सुविख्यात कवि आके यहाँ शिरकत करेंगे और वो अपने काव्य पाठ से उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। एक बहुत ही पुनीत और पावन उद्देश्य लेकर इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जैसा पावन उद्देश्य है, उतने ही ऊँचे कवि इसमें सम्मिलित होंगे। सभी साहित्य प्रेमियों से निवेदन है कि भारी से भारी मात्रा में आके इसमें सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, मैंने जैसा आपको बताया कि इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय कुमार शर्मा जी, कमांडेंट ऑफिसर व राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी जी होंगे। सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो यहाँ किड्स कॉर्नर स्कूल में आज जो ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है 22 मार्च को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व शहीद परिजन सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ 14 फरवरी को हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा लास्ट ईयर भी एक कवि सम्मेलन के रूप में जो हमारे शहीद सैनिक भाई थे उनको सम्मान देने का एक प्रयास किया था, उसी श्रृंखला में इस बार भी कोशिश यही थी कि 14 फरवरी को ही ये कार्यक्रम किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि जिनके कारण हम उस समय ये कार्यक्रम संचालित नहीं कर सके। 23 मार्च को हम जैसा कि जानते हैं शहीद दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पे इस कार्यक्रम का आयोजन पालीवाल ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे वीर शहीद सैनिक भाई हैं, उनके जो परिवारी जन है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक प्राउड मूवमेंट है, गर्व की बात है कि उनको सम्मान करने का मौका हम सभी को यहाँ मिल रहा है। और मैं कुछ यहाँ पे नाम जरूर मैं लेना चाहूंगी जिन लोगों को हम यहाँ पे जिनके परिवारी लोगों को हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, वो मैं जरूर एक बार आपको बताना चाहूंगी। मेजर श्री शेखर मिश्रा जी,
अभी माफी चाहूंगी। शहीद श्री गिरिशचंद यादव जी, शहीद श्री देवेश कुलश्रेष्ठ जी, शहीद श्री बबलू सिंह एवं श्री जीतराम गुर्जर जी, आप सभी के माता पिता या जो अन्य परिवारी जन हैं, उनको प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा हम सम्मानित करने की ये हमारा एक प्रयास है, क्योंकि जो उन लोगों ने किया उनके आगे ये प्रयास एक बहुत ही छोटा सा एक मैं कहना चाहूंगी कि ये नगण्य के समान है, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है। हम पूरे फिरोजाबाद के जितने भी हम स्कूल संचालक हैं, हमारी जो एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो फिरोजाबाद में कार्य कर रही है, कि उनके द्वारा हम जो भी हमारा जो हमारी भावनाएं हैं वो हम उन तक पहुंचा सकें। और आप सभी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में लोग 22 मार्च को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से मैं एक चीज कहना चाहूंगी,